आया भयंकर। बोलो। एक जने को बाहर बिठा, एक को जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके गया, और बच्चे बालिक भी नहीं है, वो बच्ची को लेके गया अंदर। गलत हरकत कर रहा बच्ची के संग। अच्छा, ऐसा तो बच्चियों से चल रहा, वो भेड़ों को हिंदुओं को लेके आगे कर रहा था। अब हम लोग ये बच्ची को, ये बच्चों को देख के घुसे अंदर, आंखों से देखे पैसे देना रहा तो बाहर का बाहर रहता, खिड़की के ना अंदर कमरों में लेके जाके नहीं रहता, दरवाजे पूरे दरवाजे लगा है घरों के। अच्छा। पूरे वीडियो है मेरे पास, कुछ भी नहीं आता, बच्चों को कहीं कुछ छुपा ऊपर ले गया, बच्चों को कहीं कुछ छुपा, पैसे देना रहा तो बाहर का बाहर बढ़ा रहा था। क्या नाम उनका, छुपा क्या नाम उनका, नाम हनुमंतु पते दरवाजे में हनुमान रेंज सेंटर के मालिक हनुमंतु, जो दरिंदा सिफत इंसान है, एक मासूम बच्ची 14 साल जो मजबूरी के आलम में रहन रखाने के लिए, पैसों के लिए कोई चीज़ रहन रखाने के लिए गई हुई थी, उन्हें उसकी अपनी बहन के साथ वो हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और गलत हरकत करने की कोशिश करता है। मुकामी आवाम को इतला मिलते ही वहाँ पे हमारे अहमद साहब और मन्नान वगैरह लोग अंदर घुसे, घुस के जो है ना वो बच्ची को अंदर ऊपर लेके चले गया था, मासूम 14 साल लड़की को। मेरे को इतला मिलते ही मैं असदुद्दीन वैसी साहब सदर कुलीन मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन से रब किया, वो बोले फौरी के जो ना जाइए और पुलिस स्टेशन को जाइए, लड़की को ले आइए और केस बुक कराइए। मुमताज़ खान साहब ने भी, एमएलए चारमीनार ने इंस्पेक्टर साहब से, एसीपी साहब से बात किए, उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया है 354 और पॉस्को एक्ट लगाया गया है। मैं आवाम से, परेशान हाल मजबूर लोगों से, रहन सेंटरों से जो मुतासिर है लोग, ऐसे कई लोगों का इस्तेसाल हो रहा, मैं अपील करता हूं कि ये रहन सेंटरों का पीछा छोड़िए, मेहनत करिए और ये रहन सेंटरों की जो गंदगी है इसको दूर करिए। बड़े अफसोस की बात है। और अपने ये भी नौजवान लड़कियों को जो भी जा रहे हैं, अपने माँ बाप, उनके माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है, अगर ऐसी कुछ मजबूरी है तो बाप या माँ जो है ना जाके कोई भी तरीके से कहीं से भी पैसे हासिल कर सकते, लेकिन अपने मासूम जवान बच्चों को भी जा रहे हैं, बड़े दुख का, बड़े तकलीफ की बात है। मैं इंस्पेक्टर साहब से ही मिला हूँ, वो मेरे को मुझे बताया कि इसको 354 और पॉस्को एक्ट लगा के जेल भिजा दिया गया, भिजा देंगे और इसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करें। शुक्रिया। जो हुआ सो क्या हुआ, बोलो बोलो बड़े भाई, क्या हुआ बोलो। आप 4 साल से हैं यहाँ पर, 10 साल से आप उम्र निकाल दिए, बोलो। लेके जा रहा था कहते अंदर हाथ पकड़ के खींच के। बच्ची क्या होना आपको, थर एक सेकंड। मैं कुछ भी नहीं होना, मैं महल्ले का हूँ। मैं अच्छा, मैं महल्ले का हूँ, फतेहराजे का हूँ। मैं वो बच्चियाँ कहाँ रहते मालूम आपको? नहीं 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 मालूम मेरे को। ऐसा कई दिनों से चल रहा है वो हमारे को मालूम, मगर हम तवज्जो नहीं दिया। आज हमारे बच्चे क्या करे, वीडियो लेके पूरा वो करे सोए, समझ बात को आप, पूरा वो करे सोए, उसके बाद पकड़े गए सोए। अच्छा, समझ, अंदर घुस के पकड़े पकड़े सॉलिड पकड़े गए सोए लोग, समझ बात, बस वो।